आज चाइना का 200 कंपनियों में से महज 12 कंपनी बचे हैं, बाकी को घर जाना पड़ा। और इंडिया का मार्केट अभी 90% हो गया। एयरक्राफ्ट वायुयान बनाना अभी हमारे यहां इसकी कोई फैसिलिटी बढ़िया नहीं है। हवाई जहाज में सबसे ज्यादा झमेला का जो चीज है वो उसका इंजन। बॉडी में तो उसके कुछ खास चीजें नहीं रहती हैं सब। हवाई जहाज का सबसे महंगा चीज क्या आता है? इंजन। आपको पता है दुनिया में दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जो वायुयान बनाती हैं, बोइंग और एयरबस। अरे हो गया, ये हो गया इसका इंजन, ये हो गया इंजन, यही मेन कहानी है। बाकी इसमें तो कुछ खास नहीं रहता है, बस एयर कंडीशन, लाइट सीट खत्म कर, यहां पर एरोडोम रहता है, रेडॉम, रेडॉम यहाँ रडार लगा रहता है, काम खत्म। सारा काम इस विंग्स का है। इस विंग्स में लगा होता है फ्यूल, इस विंग्स में होता है ब्रेक, इसमें होता है स्पॉइलर, इसमें होता है एलिरॉन, इस सारा चीज इसी में, दहीने बाएं ऊपर नीचे सभी विंग्स से होते रहता है। इसमें तो आदमी बस बैठल रहता है, बस इस समय का सबसे ज्यादा का झमेला क्या होता है? इंजन। ऊपर नीचे ले जाने के ये स्टेबलाइजर होते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल स्टेबलाइजर भी होता है, यहाँ पे एक बीचों में इसे लगा होता है वर्टिकल स्टेबलाइजर यहाँ पर। तो इंजन में सूचना महंगा मिलता है। दुनिया में इंजन बनाने में सबसे आगे अभी जानते हैं कौन कंपनी है? एयरबस, बोइंग, रोल्स रॉय। कार बनाती है जहाज का इंजन रोल्स रॉय, रोल्स रॉय बहुत बेहतरीन इंजन बनाती है। इवन बोइंग और एयरबस भी किससे इंजन खरीदते हैं? रोल्स रॉय। बोइंग अपना खुद का भी इंजन बनाता है, ऐसा नहीं है कि वो अपना इंजन नहीं बनाता है, एयरबस भी अपना इंजन बनाता है, लेकिन ज्यादा किसका आ जाता है? रोल्स रॉय का। तो भारत में अभी कोई बढ़िया इंजन नहीं बन पाया। कावेरी पे काम हो रहा है, वो भी किसी खास प्रोग्रेस पे नहीं है। तो हम लोग के पास इंजन नहीं बन पाया इसका अच्छा सा भी। अब DRDO इस पे काम कर रही है। यहाँ पे इंजन बनाने का काम क्या है? रोल्स रॉय एक प्राइवेट कंपनी है, बोइंग एक प्राइवेट कंपनी है, एयरबस एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी किसी को कितनी भी सैलरी दे सकती है, कम भी कर सकती है, उसका कोई अपना ही रूल है। उसका सरकारी नियम के हिसाब से तनख्वाह देंगे वैज्ञानिक लोग को, दरोगा इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पता चला जितना वैज्ञानिक का तनख्वाह है ना, ओकरा ज्यादा उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल करने आया है, BPSC से गया है, ओकरा ज्यादा कमा ले रहा है। वैज्ञानिक से पूछा कितना प्रोग्रेस हुआ, बेचारा घुसिया जाता है। ये लोग क्या है, प्राइवेट वालों को बहुत पैसे दे देते हैं। तो सरकार को भी इसमें क्या है ना, अपना हाथ पीछे खींच के टाटा, अंबानी, अडानी, महिंद्रा दीजिए ना, यहाँ पर गर्दा उड़ा देगा। यहाँ पर चाइना की कंपनी जो थी अफ्रीका पहुंच गई थी, ठीक है, अफ्रीका में चाइना की कंपनी ने कब्जा कर लिया था मोटरसाइकिल मार्केट को। वर्ल्ड, पूरी दुनिया का अफ्रीका जो देश था, यहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे 90% जो बाइक आते थे वो कहाँ से आते थे? चाइना से आते थे। 90% पूरे इस महाद्वीप में बेचता था कौन? चाइना 90%। जापान और यूरोप, जापान की कंपनी भी बाइक बनाती थी, कुछ यूरोपीय कंपनी भी, लेकिन बहुत महंगा आते थे। लेकिन चाइनीज मोटरसाइकिल बहुत सस्ता होने की वजह से पूरी 90% अफ्रीका में मोटरसाइकिल कहाँ से बेची जाए? और 200 कंपनियों के मोटरसाइकिल बिकते थे। चाइना की कितनी कंपनी है? 200। हमारे यहाँ 5-6 मोटरसाइकिल की कंपनी है, एक हीरो है, होंडा है, बजाज है, TVS है, मेनली यही ज्यादा चलता है, सुजुकी भी है, रॉयल इनफील्ड भी है, बुलेट भी है, मतलब 5-7 को फेमस है। यमहा है, यमहा जापान की है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब आपको यही सर, अपाची गधा TVS की है कंपनी, TVS है ना, बाइक का नाम बता देता है गधा सब। वहां 200 से ज्यादा कंपनियां थी सब। सोचिए किसी महाद्वीप पर कब्जा, आप समझ रहे हैं, भारत नहीं है, महाद्वीप पर कब्जा। अब पूरे महाद्वीप पर किसकी बाइकें बिक रही थी? देखो एक गधा कर रहा है, सर पल्सर बजाज का आता है तुमसे ज्यादा तो लड़कियां जान रही सब। स्कूटी किसका आता है? सबका आता होगा, बजाज, एक्टिवा, हाँ एक्टिवा वही फेमस है। हाँ सही, नहीं लड़की सब लोग के लिए स्कूटी ठीक है। उस अच्छा स्कूटी देख के लड़की का वो लगता भी है कि लड़की के लिए है, ठीक ठाक रहता है, वहां पे हल्का भी रहता है वहां पे ना, इतना भी हल्का नहीं रहता, सही बात है।
हमको लगा था कि हल्का है, देखने में हल्का लगा। एक बार हम गए उठाने के लिए, फिर हम कहे बेइज्जती हो गया मेरा उठवे नहीं किया भारी होता है वहां पे तो समझिए, अब प्राइवेट कंपनियों को समझिए। भारत सरकार ने कहा कि भाई इंडिया वाले, क्योंकि ये तो आंकड़ा देना सरकार का काम है, सरकार ने आंकड़ा दे दिया यहां पर, भारतीय कंपनी गई सब कहां पे, अफ्रीका में। चाइनीज मोटरसाइकिल बड़ी जल्दी खराब होता था, और चाइनीज खराब सामान की एक सबसे बड़ी खासियत, बेचने के बाद उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा आपको। इंडियन कंपनी गई सब वहां पे, टीवीएस एंट्री मारी, टीवीएस बजाज हीरो, समझ गया। आज चाइना का 200 कंपनियों में से महज 12 कंपनी बचे हैं, बाकी को घर जाना पड़ा, और इंडिया का मार्केट अभी 90% हो गया, कब्जा करके बैठ गया, समझ में आ गया कि नहीं गया। क्या ये सरकारी कंपनी कर सकते थे? सरकारी कंपनी कभी नहीं कर सकते, सरकारी कंपनी तो चौपट हो गए सब। इसी प्राइवेटाइजेशन को लाने की जरूरत है कहां पर, एयरक्राफ्ट। हमारे यहां एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से हमारा देश है उस हिसाब से बहुत पीछे। हम लोग एक छोटा सा जहाज बना पाए हैं डॉर्नियर 800, डॉर्नियर क्लासरूम का जितना चौड़ाई है ना, इतने आइए एकरो से छोटा है, इसमें आ जाएगा डॉर्नियर 5 गो। हाँ जी, छोटा जहाज है उसमें 8-10 गो आदमी बैठता है डॉर्नियर, रुके दिखाते हैं। अरे प्राइवेटो जेट नहीं है, नेवी वगैरह यूज करती है, नेपाल ओपाल में निगरानी वगैरह के लिए यूज होता है, श्रीलंका वगैरह के लिए दिया गया है। तो हम लोग अभी उसमें कुछ खास नहीं कर चुके डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, यही है कोस्ट गार्ड के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड अभी इसको यूज कर रही है। तो अभी हम लोग ना, ये कितना आदमी का है, 10-20 आदमी बैठ सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं बैठेगा। तो ये एयरक्राफ्ट है, हालांकि ना ये विमान वमान के लिए, निगरानी के लिए बहुत अच्छा है, निगरानी के लिए एक नंबर ये जहाज है। हल्का जहाज है। अच्छा, अब ये एक चीज और देखिए, इसमें ये स्टेबलाइजर होता है ना, ये दाहिने घूमेगा तो दाहिने, इसमें ध्यान से देखिए, को वायर गया है दिख रहा है जुगाड़ पहले ये प्रथम विश्व युद्ध में जो जहाजे होती थी ना, उसको वायर से, हालांकि अब ये चीजें हो गई हैं, इंटरनल कंप्यूटर से भी ये चीजें सिस्टम हो जाती है, बट ये छोटा जहाज है, इसको वायर से कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे इसकी टेक्नोलॉजी यूज की है, तो अभी हम लोग इतना इस जहाज को बना पाए हैं, जबकि पूरी दुनिया चाइना को देखेंगे C295 ऐसे करके जहाज बनाया है, C229 ऐसे करके, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। हम लोग का एयरक्राफ्ट के मामले में बहुत पीछे हम लोग। HAL की जिम्मेदारी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लिखा है कि नहीं जी, इसमें 1940 में बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ठीक है, लिखा HAL, ये पूछेगा क्वेश्चन, 1940 में स्थापना हुई थी HAL के। इसने ना यात्री विमान या बड़े जहाजों में अभी बहुत बड़ा हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन डॉर्नियर जहाज को इसने बनाया। इसने ना दो काम बहुत अच्छा अच्छा किया, एक ध्रुव एक रुद्र, दो हेलीकॉप्टर बनाया, दो ठो हेलीकॉप्टर बनाया, एक कौन सा ध्रुव, ध्रुव HAL और DRDO ने मिलकर, और एक रुद्र हेलीकॉप्टर, रुद्र दो हेलीकॉप्टर बनाया है, उसी का एक वो है रुद्र, अरे एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA, प्रचंड LCA। तो इन्होंने हेलीकॉप्टर के मामले में क्या किया, थोड़ा बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे, लेकिन अभी भी देखिए अपाची और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। तो एक गवर्नमेंट को समझना चाहिए एयरक्राफ्ट वाला चीज को ना क्या करना चाहिए, प्राइवेट आए, फिर प्राइवेट वाले कुछ करेंगे नहीं ना, सीधा क्या करेंगे सब, रोल्स रॉय में जाएगा टाटा का एक आदमी, कितना मिलता है सैलरी, कहेगा 5 करोड़, आ जाओ टाटा में 6 करोड़ हो गया। इंजीनियर को कौन चीज जाता है, नाम तो उस पर रोल्स रॉय कराएगा ना, इंजीनियर का कौन नाम उसमें नाम आने वाला है, बड़े बड़े कंपनियां ही ना करते हैं सब। भारत से कंपनी चली गई शेवरलेट, शेवरलेट गई है कि कौन सी कंपनी, फोर्ड गई है, शेवरलेट तो उसकी गाड़ी का नाम था, कंपनी का नाम था फोर्ड। फोर्ड की गाड़ियों की सबसे अच्छी खासियत थी कि उसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा आता है, गियर जो होता है ना, गियर चेंज करने में कभी कभी फंस जाता है, नहीं तो गड़गड़ गड़गड़ करने लगता है, तो जो फोर व्हीलर चलाए हो ना उनको गियर की एक समस्या बहुत भयानक होती है, तो फोर्ड कंपनी जो थी उसका गियर बॉक्स बहुत अच्छा आता था, अच्छा उसकी इंजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी रहती थी, फोर्ड कंपनी की कुछ गाड़ियां बहुत अच्छी चली थी। तो
फोर्ड कंपनी ठीक ठाक गई, जब यहां से चली गई, इंडिवर उसकी बहुत बड़ी की गाड़ी थी, चौकी भर लगता था वो घर जा रहा है। जब जैसे इंजीनियर गया ना, टाटा कंपनी ने क्या किया, उसके ज्यादातर इंजीनियरों को रख लिया। अब मस्त इंजन रिफाइन वगैरह करके अब बना बनाया मिल गया कि नहीं मिल गया। तो प्राइवेट कंपनियों को ये सब चीजों से काफी ज्यादा फायदा होता है। दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट या जो चीजें, कोई सरकारी नहीं है, सबका सब क्या है, प्राइवेट। सरकारी को पता है कि हमारा तुम नौकरी नहीं ले जा सकते हो, करे चाहे नहीं करे। अच्छा, उसको पता भी है कि हमारा तुम प्रमोशन भी ज्यादा नहीं कर सकते हो, जान दे दें तब भी। प्राइवेट में नौटंकी कीजिएगा, अगले दिन मेल आएगा, यू आर फायर फ्रॉम कंपनी। अच्छा, बहुत अच्छा काम कीजिएगा, आपको प्रमोशन फटाफट देते हैं। हम ऐसे ऐसे प्राइवेट कंपनियों में कर्मचारियों को जानते हैं दिल्ली में, कि बहुत नॉर्मल जॉब पर आया था, 15-20 हज़ार की सैलरी में आया था। बड़ी कंपनी में 15-20 हज़ार की सैलरी नॉर्मल होती है, और आज अपनी कंपनी की काबिलियत के दम पे बोर्ड मेंबर में बैठ रहा है। कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत बड़ा सारा पावर होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिसीजन लेते थे, दुनिया दूसरा कौन होता है, समझ में आएगी नहीं का? किसी को दिक्कत? तो भारत का एयरक्राफ्ट के सेक्टर में कोई बहुत डेवलपमेंट है नहीं।